नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, इसके बावजूद भी भारत में अफगानिस्तान सेना के सैन्य अफसरों का डिफेंस कोर्स जारी है। बताया जा रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हायर कमांड और अन्य सेना के स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहे अफगान अफसर कोर्स खत्म होने तक ट्रेनिंग जारी रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूब समझकर इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। यात्री अब बिना टिकट कैंसिल किए ही यात्रा की तारीख में बदलाव कर सकते हैं, जिसके तहत यात्री मूल बोर्डिंग स्टेशन के स्टेशन मैनेजर को लिखित में एप्लीकेशन देकर या ट्रेन के छूटने के कम से कम 24 घंटे पहले किसी कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर पर जाकर यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन को बदलाव कर सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद से सांसद चिराग पासवान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के पद से हटाए गए और अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया गया है, जिसके बाद सांसद वीणा देवी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या इस साल 25 अगस्त को 3.30 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है, जिसके तहत यदि आपका अटल पेंशन योजना में खाता नहीं है तो आप जल्दी इसका लाभ लेने की दिशा में विचार कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से नाराज सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के मधुबन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंक दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पिछले महीने की 19 तारीख को हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुए मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिलाई है, साथ ही तंज कसा है कि राजद में जलील होकर थिथराई कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि वो पागलखाने में भर्ती हो जाएं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्षीय के उम्र के बच्चों पर उसके द्वारा निर्मित स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार और आधुनिकता चाहिए या वो पिछली सदियों के वहशीपन के साथ रहना चाहता है। फेमस टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया के जरिए पवित्र रिश्ता 2 का ट्रेलर जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सभी फैंस की इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ फैंस पवित्र रिश्ता 2 के आने से खुश है तो वहीं कुछ फैंस सुशांत को लेकर आक्रोश भी दिखा रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नामांकन कर सकते हैं। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में नामांकन पत्र 8 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी अब राम याद आने लगे हैं। उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से करने का फैसला लिया है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुदास के 125वें जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित किया। मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बड़ा उदाहरण है। विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, भारत की जो सब्सटेंशियल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है, हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विंडोज 11 की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। 5 अक्टूबर से यूजर के लिए इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। इस दिन से सिस्टम को विंडो अपग्रेड की जा सकेगी। यूजर को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें कई शानदार फीचर भी लाए गए हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां 48 करोड़ से अधिक लोग या देश की लगभग 40% आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहती है, जहां प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से अधिक है। चंदन मित्रा का निधन। पायनियर के संपादक और पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मिश्रा का बुधवार देर रात को निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता स्वप्नदास गुप्ता ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज सुबह अपने सबसे करीबी दोस्त पायनियर के संपादक और पूर्व सांसद चंदन मित्रा को खो दिया है।
फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप इंस्टाग्राम भारत और दुनिया के कुछ हिस्सों में अचानक डाउन हो गए हैं। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ अपने सर्वर साझा करता है, लेकिन इन दोनों ऐप्स में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम के एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर ऐप काम नहीं कर रहा है। बिजनेसमैन राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दिल्ली के एक व्यापारी की धोखाधड़ी के आरोप की शिकायत पर सुनवाई कर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं यूट्यूब पर चलने वाले फेक न्यूज पर गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्र एवं टेलीविजन की तरह सोशल मीडिया पर यूट्यूब के लिए नियामक तंत्र की व्यवस्था हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 4 सितंबर तक कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम और मध्य भारत में बढ़ी हुई बारिश की गतिविधि जारी रहने और उसके बाद धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर सामने आने के बाद से ही मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके बाद एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दुख जताया है। रश्मि ने अपने ट्विटर अकाउंट पर केवल हार्ट ब्रेक का इमोजी शेयर किया है। देश के सबसे अमीर शख्स की संतान होने के नाते ईशा अंबानी पर कंपनी की से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां हैं। ईशा अंबानी अपने भाई आकाश अंबानी के साथ रिलायंस का रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस देखती हैं। इसके साथ ही ईशा रिलायंस फाउंडेशन में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में भी मौजूद हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दुनिया की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इस साल देश के 35 शहरों में कॉरपोरेट प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा और परिचालन भूमिकाओं में 8,000 से अधिक प्रत्यक्ष कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयंत आर वर्मा ने कहा है कि इस समय अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर आने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों में स्थिति तेजी से महामारी से पहले वाले स्तर पर पहुंच जाएगी। भारतीय वित्त क्षेत्र का बेहतर स्वास्थ्य भी आर्थिक वृद्धि के लिए एक सकारात्मक कारक है। SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहक को फ्री गिफ्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने की नसीहत दी है। बैंक ने इस बाबत कहा कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टमर को लिंक भेज उनकी पर्सनल डिटेल चोरी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव क्लब द चैम्बर्स के उद्घाटन समारोह में शामिल विराट ने अपने और अपने कोच के बीच के रिश्ते का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोच रवि शास्त्री के साथ उनका रिश्ता आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है, जिससे उन्हें ऐसी टीम तैयार करने में मदद मिली जिसे हर कोई हराना चाहता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम तो 3-4 महीने में 60 से 70 बार बढ़ा देती है, लेकिन किसान के गन्ने का रेट 3 साल से नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में एक तरफ आपके खरबपति मित्रों की आय बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आमजनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,092 नए मामले आए हैं और 509 लोगों की जान गई है, जिसमें केरल में अगर मामलों को देखें तो 32,803 मामले अकेले केरल में आए हैं और 173 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 35,181 रही। देश में अब पहली बार अगले साल से समुद्रकार के ऊपर भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। देश का यह पहला मेट्रो कॉरिडोर मुंबई के करीब ठाणे में समुद्र के ऊपर तैयार किया जा रहा है। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के बाद ठाणे को, भिवंडी के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, कृष्णा कुमार, डॉक्टर अजय दीवाना, नुनू कुमार, शशि रंजन, बिट्टू कुमार, कुलदीप कुमार, शर्मिला कुमारी, शिवानी कुमारी, दीपेंद्र कुमार, शिवानी सिंह, राजू कुमार, मनीष मोहरा, सुधांशु शेखर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में किस टीम का पर्रा ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।